हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस साइड पवन कुमार झा एंड वेरी वेलकम टू आवर टॉक शो मोजो माइक, स्पॉन्सर्ड बाय पैट्रियन। तो आज की शाम जो शख्स हमसे जुड़ने वाले हैं, द वेरी टैलेंटेड वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जिन्हें हम सभी द वॉइस ऑफ रजनीकांत जी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेरी टैलेंटेड वॉइस एक्टर मयूर व्यास जी की। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पवन जी, और शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, और मोजो पत्रकार के माध्यम से हम अपने सभी फैंस से और सभी जान पहचान वालों से, सभी लोगों से जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन एक बहुत बढ़िया माध्यम है आजकल लोगों से जुड़ने का, और मोजो पत्रकार आज मेरे लिए वो माध्यम बना है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, खुशकिस्मती की बात है। पवन बताइए, क्या गपशप लड़ाना चाहेंगे आप मेरे साथ? बिल्कुल सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर, लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में सारे इंडस्ट्री पे बहुत प्रभाव पड़ा है, ऐसे में डबिंग इंडस्ट्री पे क्या क्या प्रभाव पड़ा और आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इस लॉकडाउन के? जरूर, प्रभाव शुरू के दिनों में रहा। एक अच्छी बात यह हुई कि डबिंग के दौरान जो कंटेंट हम क्रिएट करते हैं वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हुआ है। नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो एमेजॉन प्राइम हो या एमएक्स प्लेयर हो, एवरी पॉसिबल प्लेटफॉर्म। टेलीविजन से लोग थोड़े से बोर हो गए, हालांकि हमने रामायण पूरी देख ली, हमने महाभारत पूरी देख ली, लेकिन बहुत जल्दी टेलीविजन पे जो रिपीटेटिव टाइप के प्रोग्राम थे, जहां अच्छी वेब सीरीज के साथ, जहां अच्छे एनिमेशन के साथ, बहुत अच्छे कॉन्टेंट के साथ, जहां आपको इतने ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत कंज्यूम किया इस कंटेंट को। इसकी वजह से हमको बहुत जल्दी जल्दी नए नए कंटेंट बनाने पड़े, नए कंटेंट तैयार करने पड़े। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो पर्सनली मैं घर से कुछ काम करता रहा। मार्च के महीने में काफी काम कम था, लेकिन अप्रैल से फिर घर से काम करना शुरू किया। घर शायद मयूर जी का संपर्क टूट गया है हमसे, उनकी आवाज नहीं आ रही। हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें। हाँ सर, आवाज आ रही है हेलो, आपको? अभी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर मेरी आपको? हाँ पवन जी, मैं देख सकता हूँ आपको। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क का कुछ इश्यू था, तो जैसा मैंने कहा कि मार्च में थोड़ा सा, और शुरू के दो तीन हफ्ते तो बड़ा अच्छा लगा, रूटीन से, काम से थोड़ा सा ब्रेक मिला। तीसरे हफ्ते तक मुझे लगता है थोड़ा सा खालीपन, थोड़ा डिप्रेशन, ये सब फील होने लगा। डिप्रेशन नहीं कहूंगा मैं, लेकिन काम से दूर रहना मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा है जैसे ऑक्सीजन से दूर रहना, तो थोड़ा सफोकेट होने लगे थे। काम करना बहुत ज्यादा बेसब्री से उसका इंतजार था, और फिर अप्रैल से शुरू हुआ। मुझे लगता है कि जून मिड आते आते हमने वापस स्टूडियो में भी काम करना शुरू किया, और अभी तो बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही हम डेली स्टूडियोज में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और अभी ज्यादातर डबिंग होम घर पे ही हो रही है। जितने मैंने डबिंग में जितनी से बात की, उन्होंने कहा कि होम सेटअप घर से अपना, बिल्कुल 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 होम सेटअप है। ये है कि मतलब शायद मैंने आपको बताया नहीं, या आपको पता हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए तो जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं एक प्रोफेसर भी हूँ साथ साथ में, तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, तो उनसे भी हमने जून महीने में ही कनेक्ट होना शुरू कर दिया था ऑनलाइन माध्यम से। जहाँ सुबह एक तरफ ऑनलाइन क्लास होती थी, वो भी एक तरह का परफॉर्मेंस ही है ये मान लीजिए, और वहाँ दोपहर के बाद ऑनलाइन हमारी रिकॉर्डिंग्स होती थी। आजकल इनफैक्ट
ये ऐसा टाइम है कि ये एक कोलैबोरेशन का टाइम, तो मैं कहूंगा कि साउंड इंजीनियर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स और वेंडर्स को इसके काम को बिल्कुल अटकने नहीं दिया है, ये बिल्कुल एक फ्लो में चला है बिकॉज ऑफ द वेरी गुड कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ दीज थ्री पार्टीज टुगेदर। तो बेशक इसका बिल्कुल इक्वल शेयर, इक्वल क्रेडिट, श्रेय जिसको कह सकते, ये उन प्रोड्यूसर्स को और उन साउंड इंजीनियर्स को भी जाता है। बिल्कुल सही बात कही सर। आपके बचपन में जाना चाहेंगे सर, और सबके बचपन की लाइफ काफी इंटरेस्टिंग होती है सर, आपका बचपन कैसा बीता था इस बारे में हम जानना चाहेंगे। जरूर जरूर। बहुत ही नोटोरियस और नटखट टाइप का एक बच्चा था मैं, और अभी भी शायद बहुत सारी शैतानियां मैं करता हूँ मेरे अंदर, वो बच्चा किसी तरह से मैंने अभी भी उसको संभाल कर रखा है। लेकिन हाँ, मेरे टीचर्स का मैं काफी पैक हुआ करता था। ये था आलम की कोई एक फ्री पीरियड है स्कूल में, और एक टीचर चाहता है कि ये 30-40 बच्चों को कोई संभाले ताकि वो अपनी मीटिंग अटेंड कर सके या वो अपना कोई काम कर सके, तो वो मुझे क्लास में खड़ा कर देते थे, एक कहानी सुना दो, एक गाना गा दो, या इन लोगों को एंगेज रखो। तो ये मेरे लिए लाइफ में एक अर्ली परफॉर्मेंस, मेरा प्लेटफॉर्म था ये कह सकते हैं। मेरे स्कूल के काफी फ्रेंड्स हैं जो शायद आज हमारे साथ जुड़े भी होंगे, क्योंकि वो सुबह से स्टेटस देख रहे हैं, उनको पता है कि वो ये लाइव देख सकते हैं, तो वो जुड़ने के लिए बेसब्र थे। तो उनको पता होगा कि हमने बहुत शैतानियां की है, बहुत मस्ती की है, और परफॉर्मेंस का, जैसे एलोक्यूशन हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, तो बिना एक एहसास के ये मैंने शुरू कर दिया था। और इसके लिए जब ये मुझे प्रोफेशनली करना पड़ा, जब मुझे एक परफॉर्मेंस के तौर पे करना पड़ा, फिर चाहे वो मेरे कॉलेज के जमाने में इंटर कॉलेजिएट थिएटर के दिन हो, या उसके बाद प्रोफेशनली जब मैंने वॉइस ओवर्स और वॉइस डबिंग करना शुरू किया, वो उसमें मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का एक डर बिल्कुल इस वजह से निकल गया था। तो बहुत सारे मेरे डबिंग आर्टिस्ट ऐसे दोस्त भी हैं जो माइक पे तो बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन शायद आज भी एक लाइव ऑडियंस को फेस करना उनके लिए थोड़ा सा यू नो पसीने निकल आने वाला काम हो सकता है। तो मेरे लिए वो दिक्कत नहीं है, आज लाइव ऑडियंस आई थिंक थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम है, जिसके कारण मयूर जी हमसे बार बार कनेक्ट कनेक्शन टूट रही है उनकी। हम वेट करते हैं। थोड़ी सी कनेक्शन की प्रॉब्लम है, हम वेट करते हैं उनके आने का, दोबारा से कनेक्ट हो जल्दी से। तो कनेक्शंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और आशा करते हैं कि आप लोग दर्शकगण जो है सहयोग करेंगे, क्योंकि बातें बहुत हैं अभी करने को, अभी बहुत सारी बातें हम पूछनी बाकी है, वो बहुत सारी बातें अभी बाकी है, तो आप लोग प्लीज स्टे रहें। जी सर, कोई कनेक्शन थोड़ा सा कनेक्शन इशू है सर इंटरनेट की, आई थिंक। सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? थोड़ी सी इश्यूज है इंटरनेट में। हाँ जी, थोड़ी सी बताएंगे क्या प्रॉब्लम है सर? हाँ सर, आप बचपन के बारे में बता रहे हैं, स्कूलिंग लाइफ के बारे में और कॉलेज के। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है सर आपको?
हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है फिर? आप सुन मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है। तो हाँ सर आप अपने स्कूल और कॉलेज वाले लाइफ के बारे में बात करते हैं तो बहुत कंटिन्यू करें। जी। ओके। तो यही कहा मैंने कि स्कूल में बड़ी शैतानियां की, लेकिन स्कूल में मौके भी कई मिले। हाँ यस ओके। मेरे स्कूल के दिनों में टीचर्स भी बड़े अच्छे थे। माय मदर एक्चुअली वाज अ स्कूल टीचर इन टू द सेम स्कूल इन प्राइमरी सेक्शन। तो इस वजह से सारे टीचर्स का भी मैं लाडला था, लेकिन एक और उसकी दिक्कत ये थी कि मैं ज्यादा स्पॉटलाइट में रहता था, और कुछ हुआ जैसे कोई दिक्कत आई तो फौरन मेरी मॉम को उसकी कंप्लेन पहुंच जाती थी, पिटाई भी खूब होती थी उस दिन। तो ये हुआ है कि बचपन में काफी अच्छा मौका मिला स्कूल कॉलेज में परफॉर्म करने का। मेरा हमेशा फोकस परफॉर्मेंस पे और लैंग्वेजेस सीखने पे, इंग्लिश हो, मेरी मदर टंग गुजराती है, गुजराती हो, तो ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं। इनके टीचर्स से भी मैं काफी क्लोज रहा हूँ, इन टीचर्स ने भी मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया है। आज लैंग्वेज की वो स्किल भी मुझे बहुत काम आ रही है, चाहे वो ट्रांसलेशन का काम हो। डबिंग आर्टिस्ट को क्या है, एक स्क्रिप्ट तो मिल जाती है, लेकिन कई बार ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक गाइडलाइन की तरह होती है, तो उस स्क्रिप्ट को और निखारना, उसमें से ज्यादा अप्रोप्रिएट लाइनें बनाना, ये जब तक आप अपनी भाषा पे, अपनी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी पकड़ आपकी नहीं है, तब तक आप ये नहीं कर पाते। और ये मुझे बेनिफिट बहुत अर्ली लाइफ में मिला कि लैंग्वेज अपनी मैं पॉलिश कर पाया। मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, लेकिन कॉलेज के जमाने में मुझे बहुत ऐसे हिंदी भाषी दोस्त भी मिले कि जिनके साथ मैं हिंदी में बात करता था। मैंने NM कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में, मुझे क्योंकि मेरी लैंग्वेज थी गुजराती, एक सब्जेक्ट था, तो एक ऐसे डिवीजन में डाल दिया गया था जहाँ सारे गुजराती स्टूडेंट्स थे। तो थोड़े दिन मैंने देखा कि ये सब आपस में गुजराती में ही बात करते हैं, तो मैं अंग्रेजी और हिंदी जो अपनी सुधारना चाहता हूँ वो तो मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। फिर एक दिन मैंने हमारे जो इंचार्ज थे जूनियर कॉलेज के, उनसे एक एप्लीकेशन लिख के एक मेरा डिवीजन तो जो था वो चेंज करा लिया। फिर एक ऐसे डिवीजन में चला गया, यहाँ कुछ बच्चे फ्रेंच भी सीख रहे हैं, कुछ हिंदी सीख रहे हैं, मराठी भाषी लोग हैं, तो हम सारे दोस्त इकट्ठा आए। तो ये सारी लैंग्वेज को, तो मुझे लगता है आज जो यंग बच्चे हैं ना, उनके लिए भी जो देख रहे हैं या आपके प्लेटफॉर्म पे जो यंगस्टर्स हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बेशक थोड़ा ध्यान आप बाकी सब्जेक्ट्स पे कम भी दें, लेकिन एक और लैंग्वेज अगर सीखने का मौका मिले आपको स्कूल के दौरान, तो वो बहुत अच्छी बात होगी आपके करिकुलम के लिए। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। लैंग्वेज की तो बहुत जरूरत होती है आजकल के टाइम में, और जितनी ज्यादा लैंग्वेज आप जानते हो आपके लिए उतनी ज्यादा फायदेमंद होगी। सबसे बड़ी चीज बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला आप 5th स्टैंडर्ड में ही आपको एक फीचर फिल्म मिल गई थी, तो उसके बारे में जरा जी। हमारे दर्शकों को बताएं। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है, जैसे मैंने कहा कि कहानियां बताना, जोक्स करना। अच्छा, मेरी स्कूल से कुछ रेडियो प्रोग्राम भी होते थे, तो मैं रेडियो चला जाता था, स्कूल के छोटे छोटे जो ड्रामा होते, रेडियो प्लेस, उसमें परफॉर्म करने के लिए। तो काफी ऐसी चीजें यंग एज में की हैं विदाउट रियलाइजेशन कि ये हम कर रहे हैं, ये एक मीडिया रिलेटेड जॉब है, ऐसी कोई रियलाइजेशन, ऐसा कोई ये नहीं था। फिर 5th स्टैंडर्ड में ये हुआ कि ऐसे ही एक हमारे बहुत बुजुर्ग और बहुत सीनियर कह सकते हैं ऐसे, विनोद गुप्ता जी हैं, तो उनका एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन है, उसमें मैं चला गया था एक प्रोग्राम में। तो उन्होंने मुझे माइक पे खड़ा कर दिया और बोला कि कुछ करो मनोरंजन सबका, मैंने जोक्स वगैरह किए। तो वहां एक डायरेक्टर भी ऑडियंस में थे, प्रसून बनर्जी नाम था उनका, और वो बच्चों पे आधारित एक फिल्म बना रहे थे। इनफैक्ट हमारी एक और बहुत अच्छी वॉइस आर्टिस्ट नेशमा चेंबुरकर, जो उस जमाने में नेशमा मंत्री हुआ करती थी, वो भी इस फिल्म में मेरे साथ, एक छोटे से, छोटा क्या मतलब, हम 3 लोग थे, मैं, मेरा एक कजिन था नितिन, और नेशमा, हम 3 मेन रोल में थे। और ये फिल्म बिल्कुल ऐसे लेवल पे बन रही थी कि
कि जैसे समझ लीजिए कि एक होम प्रोडक्शन जैसा है, मेकअप भी आपको खुद करना है, इसमें लाइनें भी आपको खुद करनी है, और जिस शॉट में मैं नहीं होता था तो मैं शायद रिफ्लेक्टर पकड़ के भी खड़ा हो जाता था। तो बहुत सारी चीजें फिल्म के बारे में, फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई, उस अर्ली एज में मैं एक्सपोज हुआ। मैं अपने आप को वाकई बहुत ज्यादा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। और फिल्म लाइन में ये एक बहुत मशहूर लाइन है कि ये फिल्म का सुलेमानी कीड़ा जो है, ये किसी इंसान को अगर एक बार काट लेता है तो फिर वो कहीं और चैन से बैठ नहीं पाता है। मेरे साथ ये हुआ। मैंने फिर एमएम कॉलेज में पढ़ाई की, बीकॉम किया, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ एमकॉम, आज मैं पीएचडी तक की पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर चुका हूं। तो मैं पढ़ाता भी हूं, पिछले 20 साल से 19 साल से मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूं, अलग अलग कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, पढ़ा चुका हूं, अलग अलग कोर्सेस पढ़ा चुका हूं। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो जो एक अर्ली एक्सपोजर था उसने हमेशा मुझे परफॉर्मेंस और मीडिया की तरफ खींचा। हो सकता था कि ऐसा कुछ ना हुआ होता तो मैं कुछ पढ़ लिख के कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहा होता या अपने टीचिंग जॉब से ही खुश होता, लेकिन आज साथ साथ मैं अपनी वॉइसिंग की एक पूरी जो करियर है उसको टाइम दे पा रहा हूँ, उसके लिए एनर्जी और वक्त निकाल पा रहा हूँ। इट इज जस्ट बिकॉज दैट अर्ली एक्सपोजर। और ये फिल्म जब प्रीमियर हुई थी तो मेरी ही स्कूल के स्टूडेंट्स को कुछ 5-5 रुपए सबसे जमा करके टिकट का वो छोटा सा एक रेट और थिएटर बुक किया था स्कूल वालों ने, और उस स्कूल में सारे स्टूडेंट्स के साथ बैठ के सिनेमा हॉल में मैंने खुद अपनी फिल्म जब देखी, आज तक मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का, उससे आगे कोई नहीं आया। तो वो आप अपने क्लासमेट्स के साथ जिनके साथ रोज बैठते हो उनके बीच में बैठ के अपनी खुद की फिल्म देख रहे हो, और बाहर निकलने के बाद वो आपसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं या आपको एक स्टार की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस। फिल्म चली भी थी काफी लंबी, मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था तब शायद हमने शुरू की थी, मुझे लगता है कि वो 3-3.5 साल तक बनी थी फिल्म। तो उसमें हम थोड़े बड़े भी हो गए थे, फिल्म बनाने की कुछ दिक्कतें भी थी क्योंकि उतना फंड्स नहीं था। तो लेकिन फिल्म मेकिंग से जो ग्रास रूट चीजें थी वो उस एक्सपीरियंस में काफी कुछ सीखने में। मेरा फर्स्ट डबिंग एक्सपीरियंस भी स्कूल के दिनों में ही था, असरानी साहब की गुजराती फिल्म थी, तो उस फिल्म में एक डायलॉग था, वो विलन के बचपन का रोल है, गुजराती में वो लाई थी, पप्पा दारू तो कड़वो ज लागे, तो बाप बेटा दोनों बैठ के एक साथ शराब पी रहे, और विलन का इस रोल इतना स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश करना था इनको कि ये बचपन से बाप के साथ बैठ के बच्चा दारू पी रहा है, ये सीन इन्होंने दिखाया। तो जब बाप वो शराब का ग्लास उठाता है और पीता है और कहता है कि ये तो बहुत कड़वा है, तो बेटा बोलता है कि डैडी दारू तो कड़वा ही होता है। ऐसे एक लाइन उस बच्चे के रोल की थी, और असरानी साहब के हाथ से 50 रुपए कैश पेमेंट मुझे बीआर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के बाद मिली थी। बीआर स्टूडियो कहाँ था ये ढूंढते ढूंढते मुझे 1.5 घंटा हो गया था, मैं और डैडी ढूंढते ढूंढते बीआर स्टूडियो पहुंचे थे। तो ये एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरे फैमिली से शायद कई जनरेशन आप ले लो, मीडिया से, परफॉर्मेंस से, स्टेज से, थिएटर से किसी का कोई लेना देना नहीं रहा। आई एम द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट इन माय फैमिली, ऑफ कोर्स इन माय कम्युनिटी देयर आर सो मेनी अदर पीपल हु आर वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, बट हमारे लिए ये मतलब एक अलग ही दुनिया थी, और उसको एक्सप्लोर करने का जो मजा मैंने लिया है शायद ही किसी को ये मिला होगा। बिल्कुल आपने सही बात कही, और जब पूरे अपने पूरे कम्युनिटी में और पहली बार कुछ अलग करते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है सर। ये तो आपने बिल्कुल सही बात की। सर आगे बढ़ते हैं और आपके डबिंग करियर की बात कहां से हुई, पहली अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? जैसे मैंने कहा कि ये कुछ अर्ली एक्सपोजर थे बट ये रेगुलर काम नहीं था, और ये गुजराती फिल्म ही थी, गुजराती में था। मैंने कॉलेज के दिनों में गुजराती थिएटर भी थोड़ा बहुत किया, तो वो थिएटर करते करते मुझे एक समझ में आया था कि मैं एक्टिंग में बहुत बुरा हूं लेकिन वॉइस मेरी ठीक ठाक है, वॉइस चल सकती है। तो ड्रामा में कुछ अनाउंसमेंट टाइप की चीज होती थी, ये काम मुझे दे दिया जाता था। एक बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर में और मीडिया में, वो है एक नाम जो मैं खास तौर पर लेना चाहूंगा, वो है उन दिनों के मेरे डायरेक्टर महेंद्र जोशी और मेरे प्रोफेसर्स थे एनएम कॉलेज के, मेहुल भाई जो हमारे गुजराती के प्रोफेसर थे,
और भरत नायक और कपाड़िया सर, तो ये कुछ, और हमारी प्रिंसिपल उर्मिला राय, तो इन्होंने हमेशा एक हमको एनकरेजमेंट दिया। और गुजराती तख्ते की यानी स्टेज की बहुत अच्छी एक्ट्रेस अमी बोरा, तो वो भी उस समय नई नई ज्वाइन हुई थी, तो ड्रामा करते हैं, वन एक्ट प्लेस करते हैं, कुछ नया करते हैं। मेरे साथ वो पूरा बैच भी बहुत अच्छा था। अभी फिलहाल बंदिश बैंडिट्स जैसी सीरीज में काम कर रहे अमित मिस्त्री और शर्मन जोशी, बहुत बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री में, वो उन दिनों शर्मन जोशी वॉज माई क्लासमेट एंड वी हैव डन सम ऑफ द वन एक्ट प्लेस टुगेदर। तो इन लोगों को देख के थोड़ा कुछ जो सीखा है वही मैं यूज कर रहा हूँ, और मुझे समझ में आ गया था कि थिएटर एक्टिंग ये चीजें शायद मेरे से नहीं हो पाने वाली है, लेकिन वॉइसिंग एक चीज थी जो मुझे हमेशा भाती थी, तो मैंने उस तरफ ही अपना पूरा फोकस जमाए रखा और थोड़ा बहुत काम मैंने उसी में किया। पहला ऑडिशन मेरा डिज्नी आर एनिमेशन के लिए अलादीन इस कैरेक्टर के लिए हुआ था। एलिजा लुइस, एली मैम जिसको इंडस्ट्री में कहा जाता है, इस नाम से मशहूर है, तो उनके साथ में ये पहली ऑडिशन ला म्यूजिकल स्टूडियो में हुई थी और शायद यूटीवी के लिए वो ये चीज करवा रही थी, लेकिन मैं लिप सिंक वगैरह नहीं जानता था उस जमाने में इतना, तो एक ऑडिशन तो मेरा अच्छा हुआ पर आगे वो पार्ट मुझे नहीं मिल पाया। पर हाँ, वहां से मुझे समझ में आ गया था कि ये एक चीज है जो मैं करना चाहता हूं, मैं कर पाऊंगा और मैं करके रहूंगा। वहां से मैंने ठान ली। फिर कुछ गुजराती प्रोजेक्ट्स हुए, ईटीवी गुजराती का नया गुजराती चैनल शुरू हुआ, उसमें बहुत सारे गुजराती प्रोग्राम थे। मैं कहूंगा मेरे लिए वो एक बहुत अच्छा रियाज था। गुजराती डबिंग इंडस्ट्री के राजू दीवान, सुहाग दीवान, ये दोनों का नाम बहुत मशहूर है, इन दोनों के साथ गुजराती प्रोग्राम्स काफी डब कर कुछ शुरुआती प्रोजेक्ट हैं जो शिवलीला, दर्शन दो भगवान, मुकेश कावा और राजू कावा, तो राजेश कावा के बड़े भाई हैं मुकेश जी, मुकेश कावा के साथ में दर्शन दो भगवान इस सीरीज को भी हमने, बहुत लंबी सीरीज थी, तो इसमें भी तरह तरह के कैरेक्टर्स, कभी देव का कैरेक्टर है, कोई दानव बना हुआ है, तो अचानक से कोई अट्टहास्य वाला है या बड़ा ग्रफी वॉइस है, तो ये सारी चीजें मैं खुद अपने आप को एक्सप्लोर करता था कि एक राक्षस क्या इस तरह से कुछ लाफ्टर देके उसमें कोई कैरेक्टर भर, ये सारी चीजें करते 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 खुद को एक्सप्लोर करने का एक मौका मिला। हाँ सर, आपने बहुत सारी एनिमेशन सीरीज में वर्क किया है, तो कितना चैलेंजिंग होता है नॉर्मल डबिंग से एनिमेशन कर? एनिमेशन में ऐसा है दोस्त कि सब कुछ ओवर द टॉप होता है, आपको वो एनिमेटेड चीजें जो है ये इतनी लाउड की गई है, कभी कभी कोई विलन है तो वो बड़ा सुपर विलन है, वो कॉमिकल भी हो सकता है, वो बड़ा ड्रेडफुल भी हो सकता है, और इन इमोशंस को आपको बहुत ज्यादा कूट कूट के भर भर के डालते हैं, तो एनिमेशन इसी वजह से एनिमेशन थोड़ा सा मजेदार भी लगता है कि वो मेलोड्रामा करना, वो ओवर द टॉप परफॉर्मेंस करना, ये मौका आपको यहाँ एनिमेशन में मिलता है, इसलिए मैं बहुत एंजॉय करता हूँ एनिमेशन। शुरू में काफी किया, टाइम एंड डेस्टिनी हमारे एक प्रोड्यूसर है, उनके लिए एनिमैक्स एक चैनल चलता था, उनके लिए इतने ज्यादा सीरीज किए हैं हमने, बेन 10 उसमें से बड़ा पॉपुलर होता शुरू में, बेन 10 के जो 10 अलग अलग अवतार थे, तो उसमें से डायमंड हेड और हीट ब्लास्ट और इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स में किया करता था। बेब्लेड हमारा एक सीरीज बच्चों में बड़ा पॉपुलर हुआ, ड्रैगन बॉल जी पॉपुलर हुआ और पोकेमॉन पॉपुलर हुआ, तो फॉर्चुनेटली मैं इन तीनों का हिस्सा रहा हूँ। ड्रैगन बॉल जी में क्रिलिन नाम का एक बड़ा छोटा सा कैरेक्टर था, बॉडी गाय, छोटा दिखता था पर बड़ा पावर पैक कैरेक्टर था, और एकदम बच्चे की छोटी नेजल वॉइस, तो मैंने अपनी एज से आधी एज की एक कैरेक्टर की वॉइस है जो मैंने ट्राई की और बहुत मजे किए हैं, बहुत मजे किए। बेब्लेड भी वन ऑफ माई फेवरेट, बेब्लेड में मेरा एक कैरेक्टर था काई, तो काई भी बहुत एटीट्यूड वाला, एक नेगेटिव लगता है लेकिन आगे चलकर बड़ा पॉजिटिव निकलता है वैसा कैरेक्टर, तो इस तरह के ग्रे शेड के कैरेक्टर जो हो तो उसे प्ले करने में बड़ा मजा भी आता है। और कुछ बड़ी क्यूट सी एनिमेशन फिल्में भी की हैं, एनिमेशन सीरीज भी की हैं,
जैसे पावर पफ गर्ल्स हो या इस तरह की क्यूट क्यूट सीरीज भी की, अलग अलग चीजें आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए इसमें मिलती है एनिमेशन। आज भी मैं करता हूँ एनिमेशन का काम, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। सर आपने हॉलीवुड में भी कई सारी फिल्में और एनिमेशन फिल्में की है, तो हॉलीवुड का एक्सपीरियंस कैसा होता है? और मैंने जहां तक सुना है कि आप जब हॉलीवुड के एक्टरों को डब करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या है कि ये तो अल्टीमेट कैनवस है ना, कोई एक्टिंग में फिल्म में जब काम करना चाहता है चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़ा हो, तो जो बेंचमार्क है आपका जिसके साथ आप अपने काम को हमेशा कंपेयर करते हैं वो है हॉलीवुड। आपको पता है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो उसका यूज करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप भी उस लेवल पे आए। और जब ये मौका मिलता है आपको, जब क्योंकि वो एक बड़ा पर्दा, एक बड़े बजट के साथ, एक बड़े कैनवस पे एक फिल्म बन रही है, जैसे हाल ही में अभी रिलीज होने वाली है, और शायद ये पेंडेमिक की सिचुएशन अगर सब सही चले तो हो सकता है नवंबर दिसंबर में जेम्स बॉन्ड की अगली फिल्म रिलीज होगी, जिसमें मेरा स्पेक्टर फिल्म में प्ले किया हुआ एक विलेन का कैरेक्टर दोबारा आ रहा है इस फिल्म में। थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट है, मैं अपने जो व्यूअर्स है उसे माफी चाहता हूँ, लेकिन वो कैरेक्टर इस फिल्म में आ रहा है। हालांकि ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि वो क्रिस्टोफ वॉल्ट्स, ऑस्कर विनिंग एक्टर, ने प्ले किया हुआ। तो एक बहुत ही उम्दा कलाकार को आपको मतलब जस्टिफाई करने का या उसके साथ उस परफॉर्मेंस को मैच करने का आप अगर थोड़ा सा भी कर पाए तो स्टिल यू हैव डन द बेस्ट ऑफ योर्स। तो ये मौका जब मिलता है, और देखी भी बहुत जाती है, इन फिल्मों को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो इससे जो रिकॉग्निशन प्रेज फैंस में मिलता है वो भी कमाल का है, इसलिए मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। हॉलीवुड फिल्में जो है उसमें कई तरह की फिल्मों में तरह तरह के थोड़ी सी नेटवर्क की इशू है आज, जिससे बार बार हमसे कनेक्ट संपर्क टूट रहा है मयूर जी का। हम वेट करते हैं दोबारा से। हाँ जी 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 सर, तो मैंने जैसे कहा कि हॉलीवुड फिल्में वैसे जब मैंने शुरू किया डबिंग 2001 के बाद, तो उसके बाद उसी दौरान में हॉलीवुड फिल्में हिंदी में डब होनी शुरू हुई थी, और एक शुरुआत से ही अच्छा मौका मिला। कई सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे, विनोद दादा है, विनोद कुलकर्णी जी या शक्ति सिंह जी हैं, कई लोगों को देख के, उनकी परफॉर्मेंस को बार बार सुन के हमने काफी कुछ सीखा भी है। बिल्कुल आपने सही बात कही। और सर अगर मैं आपको पर्सनल फेवरेट की बात करूं तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर आपने आपने पूरे लाइफ में प्ले किया है जो आपके दिल के करीब था, और जब आपको ये मिला तो आपको बहुत लगा कि यही कैरेक्टर का इंतजार था? बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि इसमें सबरीना द टीनेज विच में एक बात करता हुआ बिल्ला, अ कैट हु इज टॉकिंग से लेकर के साउथ के सुपर, तो मुझे बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है ये किसी एक का नाम लेना। हर बार जब मैं एक कैरेक्टर के साथ होता हूं ना, तो एट वन पॉइंट इन टाइम एटलीस्ट आई हैव फॉलन इन लव विद दैट कैरेक्टर। अभी हाल ही में मैं नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है द हॉन्टिंग ऑफ द ब्लाई मैनर एंड द हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस, तो इसमें एक ह्यू कैरेक्टर है, ये भी करते करते ऐसा लगा कि कितना प्यारा कैरेक्टर, कितना मतलब बढ़िया है, आप उस कैरेक्टर से जैसे रिलेट हो जाते हो, तो फिर लगता है कि यही कैरेक्टर मुझे प्ले करना था। तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि रजनी सर के लिए डब कर सेटिस्फैक्शन वाइज, रिकॉग्निशन वाइज, क्योंकि एक ब्रांड के साथ जुड़ने के बाद जो नाम इसने मुझे दिया है, जो प्यार मुझे लोगों का मिला है, इंडस्ट्री में भी एक रिकॉग्निशन जो इससे मिला है वो अनमैचेबल है। जैसे आपने कहा ना कि कुछ रिसर्च, तो मैंने भी रजनी सर के बारे में काफी कुछ रिसर्च किया कि मुझे इनका ये रोल करना है, तो रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इवन फॉर एन एक्टर।
सो आई ऑलवेज बिलीव इन डूइंग दैट कंप्लीट रिसर्च. और मैंने देखा कि ये आदमी सुपरस्टार तो है ही, इसका फिल्म करियर जो है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस सुपरस्टार का पर्सनल लाइफ का एक प्रोफाइल, पर्सनल लाइफ की एक हम्बलनेस. पर्सनल लाइफ में ये जो सुपरस्टार है उनसे बड़े सुपरस्टार, ये बहुत ही डिटैच्ड स्पिरिचुअल टाइप के एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी. तो मैंने फिर सोचा कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं इनकी लाइफ की प्रिंसिपल की, कि ये प्रिंसिपल मैं अगर अपनी लाइफ में लाना चाहूं, थोड़े टाइम के लिए ही सही उतारना चाहूं, तो इस परफॉर्मेंस को मैं छू पाऊंगा. मैच करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बेशक पर सबसे ऊपर हमेशा टॉप ऑफ द चार्ट रजनी सर का ही नाम रहेगा. और उनके जितने भी रोल प्ले किए हैं, चाहे वो लेंगा में हो, कबाली में हो, शिवाजी मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है, तो शिवाजी कैरेक्टर इनमें भी सब में सबसे ऊपर आता है. और सर वॉइस ऑफ रजनीकांत, एक सबसे बड़ी चीज हमें लगती है जब हम वो फिल्में देखते हैं जो आपने डब किए हैं रजनीकांत सर के लिए, तो हमें बिल्कुल यकीन है, मतलब हमें लगता ही नहीं है कि वो हम हिंदी डब में देखते हैं. आप इतना ज्यादा मैच करते हुए कि ये बहुत बड़ी बात है. तो सर शुरुआत कैसे हुई इन चीजों की, रजनीकांत का वॉइस बनने की कहानी के बारे में जानना चाहिए. पवन जी एक बात बता दूं कि शुरू में लोग जब मुझे ये बात कहते थे ना, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता था. मैं कहता था अरे मैंने डब की है हिंदी में, और वो कहते थे नहीं नहीं तुम्हारी आवाज है ही नहीं, वो उन्हीं की आवाज. तो मुझे लगा कि अरे इसको मुझे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए कि मैंने अगर इसको मैच करने की कोशिश की और लोगों को ये लग रहा है कि ये उन्हीं की वॉइस है क्योंकि वो खुद हिंदी बोल पाते हैं और उन्होंने हिंदी में किया होगा, तो ये मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट की बात है. और बहुत देर से ही सही, लेकिन इसको एक एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना मैंने सीखा. शुरू में मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था इस बात को लेके. शुरुआत हुई 2007 में. 2007 में शिवाजी फिल्म और डायरेक्टर शंकर सर की फिल्म थी. उससे पहले नायक और हिंदुस्तानी और ऐसे फिल्मों में वो अपना लोहा मनवा चुके थे. तमिल सिनेमा हो चाहे हिंदी सिनेमा हो, शंकर सर एक नेशनल लेवल के फिल्म मेकर डायरेक्टर बन चुके थे. तो उनका ये इरादा था कि शिवाजी हिंदी में डब करके उसको थिएटर में लाई जाए, क्योंकि बड़े पर्दे का एक ग्रैंडियर के साथ उन्होंने बनाया हुआ था, टॉपिक भी वैसा था. तो इस फिल्म की डबिंग करने में वो थोड़े से शेड्यूल लेट हो गए. तमिल पहले रिलीज हो चुकी थी और तमिल सुपरहिट थी. तमिल फिल्म चल रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जापान से लेकर मलेशिया से लेकर हर जगह रजनी सर की फिल्में हिट होती हैं और सालों चलती है. तो वो फिल्म चल रही थी, उसको यहाँ थिएटर में लाने का उनका प्लान था. और उसके लिए शुरू में अनिल कपूर साहब से बात भी हो गई थी. अनिल कपूर जी ने एक दो सीन इसके डब भी कर लिए थे फॉर रजनी सर. लेकिन फिर उन सबको लगा मिल बैठ के कि ये वॉइस तो एक स्टार के ऊपर स्टार की वॉइस है, और नो डाउट ये सारे लेजेंड परफॉर्मर्स हैं. ये उनके बारे में ऐसी ऐसी चीजें हैं परफॉर्मेंस में, ये ऐसी चीजें कर चुके हैं कि वो हम तो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते. लेकिन वो somehow it was not gelling, तो उन्होंने कहा कि कोई और voices try करते हैं. और करीब 50-55 के बीच इन्होंने अलग अलग voices try की कि जो match हो सके. कई लोगों ने match भी बहुत अच्छी तरह की थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो match करता था वो उसे थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल या जो रजनी सर का एक्सेंट है एक सदर्न एक्सेंट के साथ जैसे वो हर चीज होती है. तो डायरेक्टर को ये था कि कॉन्शियसली उसको थोड़ा सा अलग रखना था क्योंकि वो कैरिकेचरिश हो जाएगा या ज्यादा फनी हो जाएगा उस वजह से, और कैरेक्टर बिल्कुल हीरो है तो वो हीरो ही रहे. ऐसे में मैं स्टार गोल्ड के लिए एक फिल्म कर रहा था, उसका नाम था ब्लड डायमंड या ऐसा कुछ नाम था. तो उसमें एक छोटा सा हॉलीवुड फिल्म में रजनी सर ने रोल किया, वो एक ही सीन है. तो ये सीन मैं किसी के लिए डब कर रहा था एक फिल्म में, और वहां पे हमारे किरकिरे सर हैं वो देख रहे थे. तो ढगू काका कहते हैं हम उनको इंडस्ट्री में. किरकिरे सर ने कहा कि तेरी वॉइस मैच हो रही है, और उनके भतीजे स्वानंद किरकिरे शिवाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उनका डबिंग डायरेक्शन कर रहे थे. तो तभी काका ने कहा कि एक काम करो, तुम शिवाजी के लिए ऑडिशन करके भेज दो. वो किया, हमने एवीएम पिक्चर्स चेन्नई में भेजा. फिर वहां से कुछ वापस कुछ रिमार्क्स आए कि इसको ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, दो तीन और सीन करके भेजिए जिसमें कॉमिकल भी है थोड़ा और
इंटेंस है, जहां एक्शन है, ऐसे तीन चार अलग अलग वैरायटी भेजिए। तो हमने एक दूसरा एक तीसरा ऑडिशन भेजा। तीन ऑडिशन के बाद उसको शंकर सर और रजनी सर दोनों ने एक साथ मिलके देखा, अप्रूव किया। उसके बाद ये फाइनल मोहर लगी, फिल्म डब हुई। फिल्म डब होने के बाद रजनी सर ने पूरी फिल्म देखी और उन्होंने इतना ही कहा कि आगे से मेरी फिल्मों की डबिंग आप इसी लड़के से करा लीजिए, ये अच्छा मैच होता है। तो उसके बाद से जितने प्रोड्यूसर थे उन्होंने कोशिश की, लगभग एक आध फिल्म को छोड़ के मैंने सारी फिल्में रजनी सर की डब की है। उसके बाद से आई थिंक आठ अलग अलग फिल्मों में मैंने, और आठ में से करीब छह फिल्मों में डबल रोल रहा है उनका। तो एवरी फिल्म मल्टीप्लाइड बाय टू, यू कैन पुट इट लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस तरह से शुरू 2.0 में आपने तीन तीन कैरेक्टर किए हैं सर, रजनी सर के तीन तीन कैरेक्टर, तो वो कितना चैलेंजिंग रहा सर आपके लिए? बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था। एक महीना हम डब करते रहे। एक महीने में ऐसा था कि दिन में दो घंटे ढाई घंटे ही करते थे, और हमने ये एक डिसीजन लिया था कि जो डॉक्टर वसीकरण है उसकी एक डबिंग शुरू करेंगे, और वहां से हमने स्टार्ट किया तो इंटरवल तक हम चले गए। तब तक हमने चिट्टी के कैरेक्टर को हाथ नहीं लगाया था। डॉक्टर वसीकरण इंटरवल तक फिनिश करने के बाद फिर हमने सोचा कि अब चिट्टी का शुरू करते हैं, और चिट्टी के भी दो अलग अलग रूप है, चिट्टी जो नॉर्मल है और फिर चिट्टी 2.0 बन जाता है, तो वो नेगेटिव शेड है। तो चिट्टी फिर हमने इंटरवल से शुरू किया, वापस बिगिनिंग से शुरू किया, पूरी फिल्म चिट्टी की फिनिश की। उसके बाद वसीकरण जो इंटरवल के बाद का पोर्शन बचा था वो किया, और लास्ट में आखिर में हमने, क्योंकि तब तक हमको बाकी सारे डायलॉग्स जो हैं वो बतौर क्यू अपने साथ मिलते थे दूसरे एक्टर्स के भी और सामने रजनी सर के भी डायलॉग, बिकॉज वसीकरण बात कर रहे हैं चिट्टी से, चिट्टी 2.0 से, तो वो क्यू के तौर पर वही मेरे ही डायलॉग मैं लेकर के थोड़ा डिफरेंशिएट करके कि 2.0 नेगेटिव है तो उसमें थोड़ा और रजनी सर ने परफॉर्मेंस में जो मजे लिए हैं वो मजे लेने की ही मैंने कोशिश की है, कि वो जो वी हैव अ ट्रोजन रोबोट्स, तो वो जो चीजें थी उनकी, ये लाफ्टर एंड वेरी ईविल टाइप ऑफ अ परफॉर्मेंस दैट ही हैज गिवन इनटू दैट 2.0 चिट्टी, तो उसको बहुत ज्यादा हमने फोकस दिया, बहुत ज्यादा समय दिया, और फिल्म जो बन के निकल के आई है इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डब्ड मूवीज आल्सो ऑफ साउथ। बिल्कुल सही कहा सर। कबाली का एक डायलॉग जो बहुत ही फेमस हुआ था सर, वो डायलॉग आप एक बार जरूर सुनाइए सर हम लोग। श्योर। कबाली का इंट्रोडक्शन है ये, तो कोई बंदा पूछता है कि कौन है वो कबाली, कबाली कबाली क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों डरते हो, कौन है वो कबाली? हिंदी फिल्मों में यहाँ काला तेल, बड़ी बड़ी मूछ है, लुंगी पहने, विलन अमरीश पुरी, ए कबाली कहते ही सर झुकाकर जी मालिक कहकर खड़ा हो जाता है, वैसा कबाली समझा है क्या? कबाली है ये, तो इसमें जो कबाली है ये, इसमें जो एटीट्यूड रजनी सर का, ये फिल्म हमने मोहन नायर सर और इनके साथ चेन्नई में रिकॉर्ड की थी। तो मैं चेन्नई रहा, बकायदा 5-6 दिन रहा चेन्नई। जब आप रिकॉर्डिंग करने जाते हैं रजनी सर की पर्टिकुलरली, तो जो प्यार रिस्पेक्ट अटेंशन आपको मिलता है एक डबिंग आर्टिस्ट को, मुझे नहीं लगता है कि कभी एक एक्टर जितना, एक एक्टर को जितना अटेंशन मिलता है सेट पे, उस तरह के आपके नखरे पाले जाते हैं, यू समझ लीजिए कि दे टेंपर यू, कि जैसे आप मैं नाइट शिफ्ट में करता था, क्योंकि वो तेलुगु भी साथ में हो रही थी और हिंदी भी साथ में हो रही थी, तो तेलुगु आर्टिस्ट दिन में करता था, फिर स्टूडियो में मैं रात में जाता था, तो और कंफर्टेबल भी था थोड़ा सा, मैं वहीं रह रहा था तो दिन रात सारा अपना ही था। तो रात में जब मैंने काम किया उसमें, तो हुआ यूं कि डबिंग के दौरान भी बीच में जो हमारे वो स्टूडियो के लोग थे, सर आपको मैं बॉर्नविटा ला के दूँ या गर्म कॉफी ला के दूँ, बिस्कुट ला के दूँ, मतलब आप एयरपोर्ट पे लैंड होते हो तो आपको आपके लगेज तक वो उठाने नहीं देते, आप वहां से दे विल बी ट्रीटिंग यू एज इफ यू नो दे आर ट्रीटिंग रजनी सर ओनली। तो मैं इमेजिन कर सकता हूं कि एक वॉइस आर्टिस्ट को अगर ये रिस्पेक्ट और ये प्यार और इतना रिकग्निशन वो देते हैं, रजनी सर इज एक्चुअली गॉड टू देम,
रजनी सर को वो सर पे बिठा के वो जो बड़े 40 फुट के कटआउट और पाइप से दूध से नहलाया जाता है उनकी फिल्मों की रिलीज के टाइम पे वो पोस्टर्स, तो ये नजारा देखने के लिए मैं पर्टिकुलरली रिलीज के टाइम पे भी चेन्नई गया था और ये मैंने देखा है अपनी आंखों से कि उनकी फिल्मों को कैसे लोग बैक टू बैक शो में देखते हैं। सुबह 4 बजे एक शो शुरू होता है थिएटर में और वो भी पैक होता है और उसके बाद 7 का शो और उसके बाद 10 का शो और उसके बाद दोपहर 2 बजे का शो भी एक ही ऑडियंस बैठ के लगातार फिल्में उनकी देखते रहते। तो ये स्टेटस है उनका। बहुत बहुत मैंने मतलब मैं मुझे आशीर्वाद है और बहुत सारे फैंस का मुझे लगता है कि ये प्यार है कि ऐसा कुछ मुझे करने मिला है। शायद बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट की ऐसी ड्रीम रही हो जो मेरी फुलफिल हुई। सर आप आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। हेलो चेक। आवाज आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आ रही है आपको? बिल्कुल सर। आपने बहुत बड़ी बात कही और एक बहुत बड़ी जो ड्रीम होती है आपने सही कही, इतने बड़े सुपरस्टार का वॉइस बनना एक बहुत एक डबिंग आर्टिस्ट के लिए ड्रीम होती है सर। वो आपने पूरा किया है और आपने इतनी अच्छी एक्सपीरियंस साझा की हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा। 2.2 जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो ऐसे में फिल्म के लिए कितना इंतजार कर रहे थे सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने उसमें रजनीकांत के वॉइस थे और 2.0 में भी आप वॉइस रहे हैं, तो आप कितना इंतजार कर रहे थे? बहुत बेसब्री से। इनफैक्ट मैं हर एक फिल्म कंप्लीट करने के बाद मुझे अगली फिल्म रजनी सर की कब मिले करने के लिए मैं इस बात का इंतजार करता रहता हूं। और 2.0 जो सेकेंड पार्ट है रोबो का, वो और काला फिल्म एक साथ लगभग साइमल्टेनियसली चल रही थी और डबिंग भी हम सेम टीम कर रहे थे, तो हमने एक शुरू की, फिर उसमें थोड़ा सा ब्रेक हुआ, फिर हमने दूसरी फिल्म की, तो इस तरह से हुआ काला, कबाली, लिंगा, एक के बाद एक के बाद एक। अभी भी मैं सुन रहा हूँ कि थलाइवर 165 इनकी जो फिल्म है जो बीच में शुरू हुई थी फिर पैंडेमिक की वजह से बंद हुई, अब उनका वापस शूटिंग शुरू हो गया है। मैं उतनी ही बेसब्री से वापस इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वो फिल्म आगे कैसे करने मिले। इस बीच में बेयर ग्रिल्स के साथ जो उन्होंने एक एपिसोड किया डिस्कवरी के लिए जिसमें रजनी सर थे, फिर हमारे ब्लू वेल एंटरटेनमेंट के समीर हैं, समीर शेख ने मुझे कॉल किया कि भाई रजनी सर की एपिसोड आया है तो और कोई वॉइस है ही नहीं तो आप आ जाओ रिकॉर्ड करो। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा रजनी सर के लिए, फिर से एक बार टेलीविजन के लिए भी रिकॉर्ड करने का मौका मिला। तो जब जब मौका मिलेगा, यू नो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, मेरा फर्ज समझ के, मेरे लिए एक सौभाग्य समझ के, कह लीजिए जो भी आप समझे, मैं हमेशा करना चाहूंगा और बेसब्री से इंतजार करता रहूंगा कि उनके लिए बस एक के बाद एक के बाद एक मुझे प्रोजेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए मिलते रहे। सर अंतिम सवाल आपसे पूछते हैं सर कि जो आप आने वाले प्रोजेक्ट जो आपके आने वाले हैं तो उसके बारे में जरा बताएं। बहुत ज्यादा डिस्क्लोज करना मुझे नहीं पता कितने किस हद तक, मतलब आई एम अलाउड बिकॉज आजकल नॉन डिस्क्लोजर असाइनमेंट हम लोग वो अग्रीमेंट साइन करते हैं, तो ज्यादा जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नो टाइम टू डाई जेम्स बॉन्ड की जो फिल्म आ रही है, तो उसमें विलन की दो विलन है, रैमी मलिक ने एक विलन का रोल किया है और क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज फिर से एक बार स्पेक्टर के बाद एक रीअपियरेंस करेंगे, तो दो बड़े इंटरेस्टिंग सीन है उनके, छोटा सा काम है, छोटा सा रोल है, लेकिन वो एक बढ़िया फिल्म जो आ रही है। नेटफ्लिक्स और अमेजोन के लिए भी काफी प्रोजेक्ट्स अभी किए हैं फिलहाल। पिछले दिनों बेसिक इंस्टिंक्ट माइकल डगलस की फिल्म जो आई थिंक अब नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखी जा सकती है, बहुत बढ़िया डबिंग हुई है उसमें, बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। शैरन स्टोन के रोल में आई थिंक मालविका जी ने उसकी
डबिंग की है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस समीर ने, समीर शेख ने उसका डायरेक्शन किया है. और ऐसी कई फिल्में हैं. साउंड एंड विजन हमारा एक और बहुत ही मशहूर प्रोडक्शन हाउस है, उनके लिए भी कुछ अभी नेटफ्लिक्स के नए रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं. आई थिंक लूडो एक फिल्म अभी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पे. तो वो फिल्म हिंदी है लेकिन उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता. छोटा है पर बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसके लिए मैंने इंग्लिश में डब किया है. तो एक और चीज जो मैं एंजॉय करता हूँ कि मैं दो तीन लैंग्वेज बोल लेता हूँ. गुजराती है, इंग्लिश है, हिंदी है, थोड़ी बहुत मराठी है क्योंकि महाराष्ट्र में हूँ तो मराठी कान में जो पड़ जाती है सुन लेता हूँ. तो मराठी में ज्यादा डबिंग करने का तो मौका नहीं मिला लेकिन गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में जब जब मौका मिलता है तो मैंने कुछ इंग्लिश डबिंग के प्रोजेक्ट भी किए हैं. और जैसे मैंने कहा कि अभी रिसेंटली ये हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस है या हॉन्टिंग की दूसरी नई सीजन उसकी उनकी रिलीज हुई, उसमें भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था. ह्यू का जो कैरेक्टर है यंग भी है और वो ओल्ड भी होता है. तो दो अलग अलग एक्टर ने इसको परफॉर्म किया है क्योंकि वो एक साथ उसको एडिट शूट करना चाहते थे. उनकी शूटिंग स्टाइल ये थी कि पांच जो फैमिली मेंबर हैं वो एक ही सेट पे साथ साथ में रहेंगे और वो कैमरा जब रोटेट होता है तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जब ट्रांजिशन होता है तो वही कास्ट वहां दिखे. लेकिन वॉइसिंग करने के टाइम पे हमारे साउंड एंड विजन के डायरेक्टर कल्पेश जी का ये एक डिसीजन था और उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर चारू शर्मा उनका भी डिसीजन था कि आप दोनों वॉइस करेंगे, यंग वाला भी और ओल्ड वाला ही भी. तो ये दोनों वेरिएशन देते देते साथ साथ में करना ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा. तो ऑफ लेट मुझे लगता है कि रिसेंटली किए हुए प्रोजेक्ट में ये दो तीन प्रोजेक्ट हैं जो मैंने बहुत एंजॉय किए डब करते हुए, बड़ा मजा आया. बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे शो पे आप आए और शुक्रिया इसलिए भी क्योंकि आप लोग ही वो हैं जिनकी वजह से हम दूसरी भाषाओं की इतनी अच्छी फिल्में हम अपनी भाषाओं में देख पाते हैं, वो भी हमें लगता ही नहीं है कि ये किसी अन्य भाषा की फिल्म है. तो इसका पूरा क्रेडिट सर आप जैसे डबिंग आर्टिस्टों को जाता है. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके लिए. एक आखिरी बात कहता हूं कि डबिंग आर्टिस्ट के साथ साथ बहुत सारे साउंड इंजीनियर, हमारे डबिंग डायरेक्टर्स, हमारे ट्रांसलेटर्स जो ट्रांसलेट करते हैं इन इन बहुत फॉरेन जैसी कहानियों को, बड़ी इंडियनाइज करते हैं, उसको एक फ्लेवर देते हैं. तो मैं शेयर करना चाहता हूं ये सारा क्रेडिट जो आज मुझे मिल रहा है इन सभी के साथ एज अ फ्रेटर्निटी. डबिंग एक परिवार है, डबिंग की फ्रेटर्निटी एक बहुत ही छोटा सा प्यार की एक बॉन्डिंग से बंधा हुआ और एक हंसता खेलता खुश परिवार है और सुखी परिवार है और ऐसा ही रहे हमेशा के लिए. जो बॉन्डिंग है, जो एक टीम वर्क है, इसमें ये हमेशा बना रहे और अच्छे अच्छे काम करें, हम ऑडियंस तक उसे लेकर आए और मनोरंजन करना हमारा काम है. सो यू नो द शो मस्ट गो ऑन. शो बिजनेस में एक लाइन है, वी विल से दैट यू नो वी विल डू एनीथिंग फॉर दैट द शो मस्ट गो ऑन. या आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी और आपके इस प्लेटफॉर्म का भी. मैं एक स्पॉन्सर्ड भी है हमारे में देख रहा हूँ, पेट्रियॉट, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. मोजो पत्रकार और मोजो माइक, ये जो आपने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है कि जो लोग माइक के पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, लेकिन उनको पर्दे के ऊपर भी ला रहे हैं आप. और आज बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि इन आवाजों के पीछे के चेहरे कैसे हैं, उनको देखा जाए, उनसे जुड़ा जाए. एक इंटरव्यू का लिंक पोस्ट करते ही कम से कम 5-6 ऐसे लोग उठ खड़े होते हैं कि सर आपसे कनेक्ट होना है, आपसे पर्सनली बात करनी है, कब मैं कॉल कर सकता हूँ. तो ये एक एक फैंडम और फैंस होकर के फैंस के साथ जुड़ने का एक सौभाग्य, मुझे नहीं लगता है शुरुआत में जब मैं डबिंग फील्ड में आया किसी डबिंग आर्टिस्ट को ये मिलता था. ये आज सबको मिल रहा है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म के वजह से भी मिल रहा है. ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म आए उभर के, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और ज्यादा इस तरह की एक्टिविटीज हों जिससे कलाकारों को और जो उसके साथ पीछे पर्दे के पीछे के दूसरे कलाकार हैं, जैसा मैंने कहा ट्रांसलेटर्स, साउंड इंजीनियर्स, डायरेक्टर्स, तो उनको भी पूरा ड्यू क्रेडिट मिले, उसके लिए हम सब मिलकर बहुत काम कर सकते हैं. शुक्रिया एक बार फिर से आपका बहुत बहुत. थैंक यू सो मच टू ऑल द फैंस एंड ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड टू दिस इंटरव्यू लाइव.
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बहुत जल्द हम सब फिर से हमारी जो पुरानी दुनिया थी उसमें लौट आए, ये पेंडेमिक वाला जो टेंशन वाला माहौल है वो खत्म हो जाए, ऐसे ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि फिर से सब नॉर्मल हो जाए. हम मनोरंजन की दुनिया से हैं, मनोरंजन को फिर से पूरी तरह से एंजॉय कर सकें. थैंक यू. शुक्रिया सर. तो ये थे हमारे साथ द वेरी टैलेंटेड वॉइस एक्टर, द वॉइस ऑफ रजनीकांत मयूर व्यास. इन्होंने बताई अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे इनकी शुरुआत हुई डबिंग में, ये कैसे आए. ऐसे ही आर्टिस्टों के साथ हम फिर से आएंगे अगले सोमवार को शाम 7 बजे. तब तक के लिए देखते रहिए मोजो पत्रकार.